गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन क्या है? देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, समांगी और विषमांगी मिश्रण। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसके घटकों को सामान्य हम अलग अलग देख सकते हैं। निलंबन के अंदर जो विलेय के पदार्थ के जो कण होते हैं वो कण विलायक में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील अवस्था में होते हैं, और जो माध्यम होता है उसमें निलंबित रहते हैं। और ये जो निलंबित कण होते हैं इन्हें सामान्य हम आँखों से देख सकते हैं। तो निलंबन क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण है एक प्रकार का जिसके कणों को सामान्य हम अलग देख सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसकी सबसे पहली विशेषता हो गई कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरी इसकी विशेषता हो गई कि इसके कणों को सामान्य हम आँखों से देख सकते हैं। अगला, निलंबन के कण जो होते हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है जिसके कारण प्रकाश के मार्ग में ये साफ दिखाई देते हैं, और जैसे ही प्रकाश इन पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। इसके बाद देखिए, जो निलंबन होता है इसे शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो होता है अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता। किसी मिश्रण में अगर निलंबन के कण हैं तो वह स्थायी रूप से नहीं होते। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और इन कणों को हम क्या करते हैं, छानन विधि के द्वारा हम इन्हें मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान रखना, अगर हम इस विलयन में, निलंबन के विलयन में जो कि विषमांगी है, इसके अंदर अगर हम प्रकाश की किरणें गुजारें, प्रकाश इसमें से गुजरता है, तो इसमें जो निलंबन के कण होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ समय पश्चात अगर हम विलयन को छोड़ दें, कुछ समय पश्चात इसमें देखें तो जो विलयन होता है इसमें कण जो होते हैं, निलंबित कण जो होते हैं, वो नीचे तल में बैठ जाते हैं और अब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमने बात की निलंबन की। अब देखिए, कोलाइडल कण या कोलाइडल विलयन की बात करते हैं। हमने समांगी विषमांगी दोनों तरह के मिश्रण पढ़े, अभी निलंबन के बारे में भी हमने पढ़ा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके घटकों को सामान्य हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के मार्ग में वो दिखाई देते हैं। यानी इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते ये कण कि हम इन्हें सामान्य आँखों से देख सकें, और इतने छोटे भी ये नहीं होते कि प्रकाश की किरणें जो हैं इन्हें परावर्तित नहीं करें, इन्हें फैलाएं नहीं। अब देखिए, कोलाइड के कण जो हैं विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है, और इसी कारण ये जो विलयन होता है, जो मिश्रण होता है, देखने में समांगी प्रतीक होता है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निलंबन की बात की, निलंबन के जो कण होते हैं वो उस मिश्रण में सामान्य स्पष्ट हम आँखों से देख सकते हैं, दिखाई देते हैं, जबकि कोलाइड के कण होते हैं वो सामान्य दिखाई नहीं देते। दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये कि विषमांगी मिश्रण है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में अगर हम कोलाइड कणों की बात करें या कोलाइडल विलयन की बात करते हैं तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। अब देखिए, यहाँ पे कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें सामान्य देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। यानी ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को सामान्य प्रकाश का जो मार्ग होता है उसमें हम देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक गतिविधि दे रखी है। यहाँ पे एक दो अलग अलग आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। ए में कॉपर सल्फेट का विलयन है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, यानी इसके प्रकाश का जो मार्ग है इसमें ये कण दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा है दूध तथा पानी का मिश्रण, जिसमें टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यानी इसमें बीच बीच में देखो आपको जो बॉक्स भी है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। देखिए, आप इसमें प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण जब किसी कण से टकराती है और वो फैलती है तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं। देखिए, प्रकाश के मार्ग में जब छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, यानी उन कणों से प्रकाश है वो परावर्तित होता है, टकराकर फैलता है, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं।
हमने बहुत बार देखा है कि किसी कमरे के अंदर किसी झरोखे से जब ना प्रकाश आता है तो उसके बीच में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ये टिंडल प्रभावी है। घने जंगल की अगर हम बात करें, घने जंगल के आच्छंदन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब देखिए, हम कोलाइडी के गुणधर्मों की बात करते हैं। जैसे हमने निलंबन की बात की, अब देखिए कोलाइड के गुणधर्म, निलंबन की तरह ही ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, लेकिन दिखने में ये समांगी प्रतीक होता है। कोलाइड के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आँखों से पृथक नहीं देख सकते। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी सामान्य आँखों से तो हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की किरणों को ये कण क्या करते हैं, फैलाते हैं, दृश्यमान बनाते हैं। इन्हें शांत छोड़ देने पर ये जो कण हैं वो तल में बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, इन्हें छानकर हम अलग नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण जो विधि हमने बात की थी इस चैप्टर में, अपकेंद्रीकरण विधि मैंने आपको बताया था, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा हम इन्हें पृथक कर सकते हैं, लेकिन छानन की क्रिया द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ध्यान रखें, विलय पदार्थ की तरह का जो घटक होता है परिक्षिप्त कण, जो कि कोलाइडल के रूप के अंदर रहता है, उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। जो होता है इसके परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। आगे आपको एक टेबल दी गई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हमने पढ़ा, एक तो कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ा और एक हमने पढ़ा निलंबन के बारे में। दोनों ही विषमांगी हैं, लेकिन जो कोलाइडल होता है दिखने में समांगी प्रतीक होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, वास्तव में ये विषमांगी होता है। और जो निलंबन है इसके कणों को सामान्य हम आँखों से पृथक देख ही सकते हैं, इन्हें सामान्य देखा जा सकता है पृथक। इस तरह से निलंबन और जो कोलाइडल विलयन है दोनों ही विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, कोलाइडल जो विलयन है इसके गुणधर्म बताने हैं, और दूसरा आपको बताना है निलंबन के गुणधर्म, यानी कोलाइडल और निलंबन दोनों के ही गुणधर्म आपको अलग अलग लिखने हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उन पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।